तो गाइस अगर आप इस क्यूट सा डॉग को खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूट सा डॉग को खरीदने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप इस सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं और आप इस डॉग को खरीद के घर में ले आते हैं तो आपका डॉग का सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर डेथ भी हो सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है जब आप इस डॉग को खरीद के घर में लाएंगे तब आप इस डॉग को क्या क्या खिला सकते हैं और इस डॉग को आप किस तरह से केयर कर सकते हैं। इस डॉग के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आप लोगों का जो सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि इस डॉग का प्राइस क्या होता है तो आपको इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और आपको ये भी पता चलने वाला है कि इस डॉग को आप सबसे कम प्राइस के अंदर कहां से खरीद सकते हैं। तो अगर आपने इस क्यूट सा डॉग को खरीदने का प्लान बना चुके हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखिए, आपको इस डॉग के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आप जितना छोटा साइज का डॉग को खरीदते हैं आपको उतना ज्यादा उस डॉग का केयर करना पड़ता है। और अगर आप एक मीडियम साइज का डॉग को खरीदते हैं तो आपको उतना उस डॉग का केयर करना नहीं पड़ता है। और अगर आप एक स्मॉल साइज का डॉग को खरीदते हैं तो आपको उस डॉग का डाइट पर बहुत ही कम खर्चा होता है क्योंकि ये स्मॉल साइज का डॉग बहुत ही कम खाना खाता है। तो गाइस अगर आप इस क्यूट सा पोमेरेनियन डॉग को पालना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इस क्यूट सा पोमेरेनियन डॉग को पालने के लिए आपको पर मंथ कितना रुपया खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही आपको बताया कि ये डॉग बहुत ही कम खाना खाता है जिसके लिए आपको इस डॉग का डाइट पर बहुत ही कम खर्चा होने वाला है। लेकिन इस क्यूट सा डॉग को खरीदने से पहले आपको इस डॉग का डाइट को भी खरीदना पड़ेगा। डॉग डाइट आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आपको डॉग शॉप में भी डॉग डाइट मिल जाएगा, वहां से भी आप खरीद के ला सकते हैं। इस डॉग को आपको दिन भर 4 से 5 बार खाना खिलाना पड़ता है और इस डॉग को आपको पर डे वॉश भी कराना पड़ता है जिससे कि आपका डॉग फ्रेश रहता है और बहुत ही कम बीमार पड़ता है। और डॉग को वॉश कराने के लिए डॉग का शैम्पू आपको डॉग शॉप में ही मिल जाता है। और ये डॉग ज्यादा गर्मी में भी नहीं रह पाता है इसीलिए आपको टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए AC या कूलर का भी यूज करना है। इस डॉग को पालने के लिए रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस डॉग को आपको डॉक्टर से भी चेकअप कराना पड़ता है जिसमें भी आपका कुछ खर्चा होने वाला है। सभी खर्चे को मिला के इस डॉग को पालने के लिए आपको पर मंथ 2000 से 2500 तक खर्च हो सकता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस क्यूट सा डॉग का प्राइस क्या होता है और इस क्यूट सा डॉग को सबसे कम प्राइस के अंदर आप कहां से खरीद सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए इस चैनल पर। ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियोस बनाया हुआ है कि आप इस क्यूट से डॉग को सबसे कम प्राइस के अंदर कहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।